इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बस गहरी खाई में गिर गई है। हादसे में 15 लोगों की जान चली गई है जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चल रहा है। हिमाचल के कुल्लू में यह सड़क दुर्घटना हुई है। परी शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, क्या इस वक्त हालात वहां पर? जी, अब मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो हादसा हुआ है ये बहुत बड़ा हादसा है। इसमें 50 से 60 लोग सवार थे और ये ओवरलोड थी ये बस, और इसमें बहुत ज्यादा लोग भरे हुए थे, खचाखच भरी हुई थी। और इसमें अब तक मैं थोड़ा सा बता दूं कि अब तक इसमें मरने वालों की संख्या 15 से 20 हो चुकी है। 20 लोग इसमें जो रिकवरी हो चुकी है डेड बॉडी की, वो 20 हो चुके हैं और घायलों की संख्या 25 ही है। और कितने बजे हुआ ये हादसा परी? जी, ये लगभग 4:30 बजे के करीब करीब ये हादसा हुआ। ये जो बस थी ये निजी बस है और निजी बस ये कुल्लू से गाड़ा कुशैणी की ओर जा रही थी। ओवरलोडेड थी जैसा कि आप बता रही हैं। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहाँ पे पैरपेट वगैरह कुछ भी नहीं थे। कई बार सरकार कहती है कि हम सड़क प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वॉल लगा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहाँ पर कोई भी पैरपेट तक नहीं थे। अगर शायद पैरपेट होते तो कहीं ना कहीं इतनी लोगों की जान नहीं जाती। 500 फीट गहरी खाई में ये बस गिरी है जिसमें अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें और ज्यादा लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। जिस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू जारी है और घायल इतने हैं कि कोई कुछ घायलों को जिनको उठाया जा रहा है, गहरी की संख्या बढ़ सकती है। शुक्रिया परी इस अपडेट के लिए।